उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, नाम से ही कि मेरा फूड चैनल है और जो किचन में मेरे पास अवेलेबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना सिखाती हूँ और नई से नई रेसिपी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और चलिए देखते हैं किचन में आज हम क्या बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं और किसी भी खाने को बनाने के लिए मसालों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं बनाने जा रही हूँ आज मूंग की दाल की पिट्ठी स्टफ्ड कचौड़ी करने के लिए। मूंग की दाल की जो कचौड़ी मैंने डाली थी 1 मिनट की थी, लेकिन पूरा प्रॉपर वे में बताने के लिए एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ मैं पहले मसाले रोस्ट कर रही हूँ। तो मूंग की दाल की पिट्ठी सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनानी है। और इसमें ये हींग भी डाल ली है, देखिए हींग, ये भी भुन जाएगी। और ये जीरा लिया है मैंने, सौंफ लिया और रेड चिल्ली लिया और ये कोरिएंडर लिया है। थोड़ा अच्छा रोस्ट कर लेंगे तो इसकी मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये आमतौर पे वही मसाले लिए हैं जो डेली यूज में आपके घर में होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट पूरा आएगा मूंग दाल कचौड़ी में। और चटकना शुरू हो गया ये, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है और थोड़ी देर हम इसी में रखेंगे और एक मिक्सर जार में इसको पीस लेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर मैं इसमें पीस लूँगी और थोड़ा मोटा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। और इतने में दाल धो लेती हूँ। ये मूंग की दाल को मैंने फुल नाइट सोक करके इसको धो लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा मिक्सी में चलाते, एक साथ नहीं चलाना, थोड़ा चलाना फिर रुकना है, थोड़ा चलाना फिर रुकना है। तो और बिना पानी डाले ही पिस जाती है, इजीली पिस जाती है, एक बार में नहीं चलाना, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मसाला मैंने पीस लिया है देखिए, और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा ऑयल ले लिया मैंने, जो ऑयल आप खाना चाहते हैं। पहले मैंने देसी घी यूज़ किया था और आज मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। दाल को पहले हम भूनेंगे थोड़ा सा घी में, हाँ, डायरेक्ट मसाले के साथ नहीं डालना है, ताकि दाल का कच्चापन हमारा पहले दूर हो जाए, उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। दाल हमारी भून गई है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसमें, बस कच्चापन ख़त्म करना है। ये मसाला ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला ऐड कर देंगे, और फिर मिक्स करते हैं दोस्त। ये मैंने सभी दाल और मसालों को मिक्स कर लिया है, सारे मसाले हो चुके हैं, सॉल्ट भी ऐड हो चुका है हमारा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। हर सॉल्ट का अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है, अपनी खुशबू होती है, तो ब्लैक सॉल्ट हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और ये ऑप्शनल है, ना भी डालें। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें मीठा सोडा और गैस की फ्लेम को ऑफ करके फिर से मिक्स करेंगे। ये फ्लेम ऑफ कर दिए, अब इसको हम मिक्स करते हैं। मीठा सोडा हमने क्यों डाला है, ये मैं कचौड़ी बनाऊंगी तो उस रेसिपी में आप देखना और तब बताऊंगी कि ये क्यों डालना है। बस ये मूंग दाल कचौड़ी का हमारा मसाला रे रेडी हो चुका है। और हर वीडियो में बने रहिएगा, पूरी नॉलेज लीजिए ताकि कोई रेसिपी आपकी ख़राब ना हो। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और एक बार तो जरूर बना के देखा कीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, उसके बाद लाइक कीजिए, बना के देखिए, कमेंट कीजिए
और कोई भी प्रॉब्लम है सब, और कोई भी रिक्वेस्ट है या कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो को कुछ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई तैयारी के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, नई रेसिपी में मिलेंगे।